हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं हिमाचल दर्शन, वन डेस्टिनेशन फॉर अमेजिंग प्लेसेस। आज के इस वीडियो में हम 141 साल पुराने मंडी में ब्यास नदी पर बने विक्टोरिया ब्रिज का खूबसूरत व्यू देखेंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय प्लेन पेपर वर्क्स कंपनी। इस कंपनी के प्रोडक्शन के अंदर इनकी पहली म्यूजिक एल्बम लॉन्च हो रही है 2 नवम्बर को। प्यार पहला जाना रहा तेरा हो गया बहुत घट नी आउंदी सी मिलन छड़ के तू सारे कम नी। फ्रेंड्स, अभी हम हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 144 साल पुराने विक्टोरिया ब्रिज के पास। हिमाचल प्रदेश के छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी शहर का ब्यास नदी पर बना विक्टोरिया पुल ब्रिटिश हुकूमत की यादें आज भी ताज़ा कर रहा है। महारानी विक्टोरिया के नाम पर इस पुल का निर्माण 1877 में किया गया था। अंग्रेज इंजीनियरों की कुशल कारीगरी का बेजोड़ नमूना है ये पुल। में मंडी रियासत के राजा विजय सेन ने 1 लाख रुपए की लागत से इस ऐतिहासिक पुल का निर्माण करवाया और इसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया केसरी पुल रखा गया। इस ऐतिहासिक पुल को बचाने के लिए इसी पुल के साथ ब्यास नदी पर एक और पुल का निर्माण किया जा रहा है, ताकि इस पुल पर आवाजाही बंद करके इस धरोहर को सहेज कर रखने की योजना है। विक्टोरिया ब्रिज की दूरी चंडीगढ़ से 192 किलोमीटर, शिमला से 140 किलोमीटर, कांगड़ा से 130 किलोमीटर और नई दिल्ली से 440 किलोमीटर है। मंडी, जिसको पहले मांडव नगर के नाम से भी जाना जाता था, की स्थापना राजा अजबर सेन द्वारा 1527 में की गई थी। मंडी शहर समुद्र तल से 850 मीटर यानी कि लगभग 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आप यहां साल भर में कभी भी आ सकते हैं। एक सौ इकतालीस वर्ष पुराना ये पुल अब भी लोगों का भार ढो रहा है। अंग्रेज इंजीनियरों द्वारा इस पुल की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु आज निर्धारित उम्र से 41 साल बाद भी यह ऐतिहासिक पुल लगातार आवाजाही का बोझ ढो रहा है। ब्यास नदी के तट पर स्थित मंडी को छोटी काशी, हिल्स ऑफ वाराणसी और हिमाचल की काशी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जगह प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 300 से ज़्यादा हिंदू धर्म के मंदिर स्थित हैं, जो कि भगवान शिव व माँ काली को समर्पित हैं। पहले इस ऐतिहासिक पुल के प्रवेश द्वारों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, परंतु अब उन्हें साफ करके चमकाया जा चुका है। प्रवेश द्वारों के कई खराब पत्थरों को बदल दिया गया है। विक्टोरिया पुल पर LED लाइट्स भी लगाई गई हैं। रात्रि में इनका दृश्य बहुत सुंदर होता है। मंडी शहर एक कटोरे के आकार जैसा शहर है, जो कि ऊँचे-ऊँचे पर्वतों से घिरा हुआ है। इस शहर को गंधर्व हिल्स, मोतीपुर धार, रेहरा धार और तारना हिल्स ने घेरा हुआ है। यहाँ बहने वाली ब्यास नदी में 2 छोटी नदियाँ मिलती हैं, जिनका नाम है सुकेती खड और स्कोदी खड। विक्टोरिया ब्रिज के नीचे बहने वाली इस ब्यास नदी के विहंगम दृश्य के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि मैं ऐसे ही खूबसूरत प्लेसेस के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं।